नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो। मतलब गाइस, लो क्वालिटी का सरसों को पेरने वाले हैं। ये दोस्तों 15 केजी सरसों है, और लो क्वालिटी का सरसों में कितना केजी में कितना तेल आता है आपके सामने आज हम लाइव डेमो पेर के और वेटिंग मशीन वेट करके बताने वाले हैं कितना तेल निकलता है। दोस्तों वीडियो काम तक बने रहिएगा। आप जैसा कि देख पाएंगे दोस्तों, ये हल्का नूनी सरसों के नाम से जाना जाता है। लो क्वालिटी का सरसों हल्का सा है, इसे जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, 3 केजी में 1 केजी तेल आता है। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि 3 केजी सरसों में 1 केजी तेल आता है, तो हल्का से लो क्वालिटी का सरसों है दोस्तों। इसमें हम देखने वाले हैं आखिर कितना तेल आता है दोस्तों, कितना केजी में कितना तेल आता है। हालांकि 15 केजी हमने सरसों को डाला है पिराई के लिए, और ये हमारी मशीन इस सरसों की पिराई शुरू कर दिया गया। और देखिए, आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे पिराई हो रही है। आपको बता दें कि जितना बोल्ड दाना आपका रहता है दोस्तों, जितना बोल्ड क्वालिटी का सरसों रहता है उतना ज्यादा तेल निकलता है गाइस। कभी कभी 2.5 केजी के हिसाब से भी तेल निकल जाता है दोस्तों। ये मेरा खुद का दोस्तों एक्सपीरियंस है, आज मैं 5 साल से मशीन चला रहा हूं दोस्तों। तो अगर ज्यादा बोल्ड दाना रहा दोस्तों, सिर्फ मस्टर्ड सीड्स, तो 2.5 केजी के हिसाब से भी तेल निकलता है दोस्तों। और आपको हम बता देना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए तेल पिराना शुरू हो गया है गाइस। और आप यहाँ पे देखिए, आप हमारी मशीन पिराई शुरू कर दिया है दोस्तों। अभी बाल्टी में स्टोर होगा ये तेल, उसके बाद दोस्तों आपको वेटिंग मशीन वेट करके बताएंगे कितना तेल निकलता है इस 15 केजी में। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, खल बन रही। आपको मैं एक खास बात बता दें कि आप कैसे पता कर सकते हो, कि बहुत से लोग दोस्तों एक्सपीरियंस होते हैं खल को देख के पता कर देते हैं कि अभी कितनी बार और पेराई होगी तब जाके पूरा तेल आ गया इस खल्ली में। तो आपको हमारे लाइव डेमो सब बताने वाले हैं सरसों को हाथ में ले जाने के बाद दोस्तों। तो कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे दोस्तों, खल है। आप जब भी पेराई करते हैं तो खल को अपने हाथ में लेके चेक कीजिएगा, उसे दबाइएगा दोस्तों, उसको चापिएगा अपने हाथ में। और चापने के बाद अगर आपका हाथ में हल्का नमी आता है दोस्तों, का तेल की मात्रा आपको लगता है, तो 3 से 4 बार कम से कम हमारा पेराई करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि पूरा जितना भी सरसों में तेल है, सरसों खल्ली में पूरा निचोड़ कर तेल आ जाता है। उसके बाद हमें खल को फेंकना चाहिए दोस्तों। अगर आप आधा दूरा में खल फेंक देंगे तो आपको काफी नुकसान हो जाएगा, तेल पूरा मात्रा में नहीं आएगा दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुल मिला के हमारी पेराई हो ही गई है दोस्तों। और अब कुल दोस्तों हमें 20 से 25 मिनट लगा 15 केजी को पेरने में, और अब इसे हम वेटिंग मशीन वेट करने वाले हैं। बताने वाले हैं आपको कि 15 केजी सरसों में कितना तेल आया। लो क्वालिटी का सरसों था तो 4 केजी 815 ग्राम तेल हुए दोस्तों। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो 500 ग्राम डब्बा को ही मान लो दोस्तों, या 400 ग्राम डब्बा को आप मान लो, तो 400 ग्राम डब्बा को आप मान लेते हैं तो तेल हमारा हो गया 4 केजी 400 ग्राम तेल हुआ दोस्तों। तो मोटा मोटी इसे कहा जा सकता है कि 4.5 केजी तेल निकला 15 केजी सरसों में। हालांकि 5 केजी तेल कम से कम तो निकलना ही चाहिए था, क्योंकि 3 केजी के हिसाब से तेल आता है आप सभी जानते होंगे, मगर यहाँ 4 केजी 400 तेल है, 4 केजी 815 ग्राम तो तेल हुई। तो 400 ग्राम डब्बा को मान लो 4 केजी 400 ग्राम तेल हुआ दोस्तों, मोटा मोटी 5.5 केजी। तो क्वालिटी का सरसों में कम तेल आता ही है गाइस, आप सभी जानते ही होंगे। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का एक्सपायर की अनचाही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।